रूस यूक्रेन जंग को एक साल हो गया है। इस दौरान यूएन जनरल असेंबली में युद्ध को खत्म करने को लेकर प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत के साथ पास हो गया है। 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, वहीं 7 देश ऐसे थे जिन्होंने रूस का साथ देते हुए प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। इस प्रस्ताव के पास होने के साथ ही असेंबली ने रूस से बिना किसी शर्त रूसी सेना की वापसी और लड़ाई खत्म करने की मांग दोहराई। रूस के हमले का मकसद था यूक्रेन पर कब्जा, लेकिन अभी तक पुतिन की फौज इसमें नाकाम रही है। इस बीच भारत से लेकर अमेरिका तक तमाम देशों ने पुतिन से जंग खत्म करने को कहा। पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। वहीं पुतिन ने भी कहा कि मैं भी चाहता हूं कि ये सिलसिला जल्द से जल्द रुके। जंग के एक साल पूरे होने पर कई देशों ने रूसी हमले का विरोध किया है। दुनिया भर में लोग यूक्रेन के लिए एकजुट हो रहे हैं। एक और जहां यूक्रेन के नेशनल फ्लैग के कलर से एफिल टावर जगमगाया, तो वहीं दूसरी ओर कई देशों में रूसी एम्बेसी के बाहर यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर यूक्रेनी झंडे के रंग पेंट किए गए।